हेलो फ्रेंड्स, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में एक बड़ा अंतर ये होता है कि पुअर माइंडसेट वाले लोग खुद को कभी असफल होता नहीं देखना चाहते। वे सोचते हैं कि गलतियां करना फेलियर का सिग्नल है, जबकि रिच माइंडसेट वाले लोग लगातार अनजाने रास्तों में कदम रखते हैं। वे बड़े सपने देखने, नए काम करने और छोटी गलतियां करने में यकीन करते हैं। दोस्तों, नए काम करने और गलतियां करने के लिए तैयार होने में एक बढ़िया बात ये है कि गलतियां करने से आप पोलाइट रहते हैं। जो लोग पोलाइट रहते हैं वे घमंडी लोगों से ज्यादा सीखते हैं। अमीर ऐसे बिजनेस एरिया और प्रोजेक्ट में कदम रखते हैं जिनके बारे में आमतौर पर उन्हें कोई जानकारी नहीं होती थी, लेकिन वो हमेशा सीखने को तैयार रहते हैं। वे घंटों, दिनों और महीनों तक बैठकर सोचते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और वे नॉलेज हासिल करते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। वे हमेशा पोलाइट बनने, यहाँ तक बेवकूफी की हद तक क्वेश्चन पूछने की इच्छा रखते हैं। दोस्तों, बेवकूफी तो ये नाटक करना है कि आप स्मार्ट है। जब आप स्मार्ट बनने का ढोंग करते हैं तो आप मूर्खता के शिखर पर होते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग गलत होने से नहीं डरते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है तो वे हमेशा माफी मांगने के लिए तैयार रहते हैं। वे हर टाइम सही होने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर किसी के पास आपसे ज्यादा सही आइडिया है तो उसे एक्सेप्ट कर ले, फिर आपके पास कई शानदार आइडियाज हो जाते हैं। जिन लोगों के पास सिर्फ एक ही सही आइडिया होता है उनमें अक्सर ये तीन बातें होती हैं। पहली, वे आमतौर पर बहस करने वाले या डिफेंसिव होते हैं। दूसरी, वे अक्सर बहुत बोरिंग होते हैं। और तीसरी, वे यूजुअली दकियानूसी हो जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान इस बात पर जाता ही नहीं है कि कभी सही रहा उनका आइडिया आज गलत हो गया है। तो दोस्तों, ये एडवाइस हमेशा याद रखें, थोड़ा खुलकर जियो, हर दिन थोड़ा साहसी और जोखिम भरा काम करें। अगर आप अमीर नहीं बनते हैं तो भी ये आदत आपकी जिंदगी में रोमांच भरेगी और आपको बरसों तक ज्यादा यंग बनाए रखेगी। बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़े सपने देखने वालों के सपने ही पूरे हुआ करते हैं। ऐसा कहने वाले धीरूभाई अंबानी की एक रियल लाइफ स्टोरी है। धीरूभाई अंबानी जब एक कंपनी में काम कर रहे थे तब वहाँ काम करने वाले कर्मियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरूभाई पास के एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहाँ चाय के लिए 1 रुपए चुकाना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं, उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि बिजनेस की बारीकियों को समझ सकूँ। इस बात से पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग एक ही तरह के काम करने में जिंदगी बिता देते हैं और उन्हें ये भी लगता है कि वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। फिर जब वो 60 साल की एज में रिटायर होते हैं तो फिर टीवी के सामने बैठकर नाराज होते हैं कि उन्होंने जिंदगी भर सही काम किए थे, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं है कि उन्होंने सभी सही काम किए हैं। इस तरह के लोग जब अपने उन कलीग्स के बारे में सोचते हैं जिन्होंने उनके हिसाब से गलत काम किए थे, लेकिन अब वे अमीर बन गए थे या ऊंचे पदों पर पहुंच गए थे, तो वे और भी ज्यादा नाराज और गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार लाइफ की शुरुआत में जो आइडियाज आपके लिए सही काम करते हैं, जरूरी नहीं वो ही आपके लिए लाइफ टाइम तक सही रहेंगे। बहुत सारे लोग इस कारण असफल होते हैं क्योंकि वे चेंज से डरते हैं या टाइम के साथ बदल नहीं पाते हैं। वे चेंज इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ गलत होने से डर लगता है। कई बार सही होने के लिए हम सभी को गलत होने की जरूरत होती है। अगर हम साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं तो हमें कुछ टाइम तक गलत होने के प्रोसेस से गुजरना होगा। ज्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे सही तो होना चाहते हैं लेकिन गलत नहीं होना चाहते। फेलियर के डर के कारण वे असफल हो जाते हैं। बुरा दिखने के डर के कारण आखिर में वे खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं। अमीरी का सीक्रेट ये है कि दुनिया इस तरह से बनाई गई है ताकि हम असफल ना हो। दुनिया इस तरह से बनाई गई है ताकि हम जीते। चुनौती ये है कि जीतने से पहले आप असफल होने के लिए तैयार रहे। इंसान अपने फेलियर के डर को दूर कर सकता है। जब आप अमीरों के सीक्रेट्स को समझ लेंगे तो आप जीतने की खातिर असफल होने की ज्यादा इच्छा रखने लगेंगे। जैसा कहा गया है, जो लोग फेलियर से बचते हैं वे सफलता से भी बचते हैं। फेलियर सफलता का जरूरी रास्ता है। इन शॉर्ट, अमीर हर दिन थोड़े असफल होने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग बिल्कुल भी असफल ना होने की सबसे अच्छी कोशिश करते हैं। आदतों के इस छोटे से अंतर के कारण उनकी लाइफ में बहुत बड़ा अंतर पैदा होता है। आपको इस बारे में ज्यादा नॉलेज हासिल करना होगा। इसके लिए आपको ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड बुक जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक में मेरी भी पर्सनली बहुत हेल्प की है। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है। अगर आपको ये बुक ऑडियो फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसे कुकू FM पर सुन सकते हैं। दोस्तों, ऑडियो सुनने का फायदा ये होता है कि आप अपने दूसरे काम करते हुए भी आराम से ऑडियो सुन सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग, कुकिंग या फिर घर के कुछ दूसरे काम। कुकू FM पर इसी तरह के बुक्स की ऑडियो आप कभी भी सुन सकते हैं। मैं खुद भी घर से ऑफिस आते टाइम अपनी कार में कुकू FM सुनती हूँ। दोस्तों, कुकू FM पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी।
चाहिए, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो भी हर रोज केवल 1 रुपए से भी कम खर्चा करके। इसका मतलब ये है कि आप जितने पैसों में एक बुक खरीदेंगे, उससे आधे पैसों में तो आप पूरे साल सैकड़ों बुक्स के ऑडियो सुन लेंगे। है ना फायदे का सौदा। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और GK50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों जल्दी कीजिए, क्योंकि आप में से सिर्फ 250 सब्सक्राइबर्स को ही ये 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी कुकू FM ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए सबसे लास्ट और सबसे जरूरी आदत ये है कि आप अपनी बात सुने। आपके पास सबसे पावरफुल ताकत वो है जो आप खुद से कहते हैं और जिसमें यकीन करते हैं। ये आदत आपकी रियलिटी को व्यक्त करने का एक और तरीका है। दूसरे शब्दों में, आप खुद से जो कह रहे हैं उस पर बहुत पैनी नजर रखें, क्योंकि आप खुद से जो कह रहे हैं वही आप हर दिन बन रहे हैं। हारने वाले लोग अपनी मनचाही चीजों के बजाय उन बातों पर ज्यादा फोकस करते हैं जो वे जिंदगी में नहीं चाहते हैं। उनका यही काम अलग होता है। यही एक आदत पैसे के बारे में सही है। मैं गरीब नहीं बनना चाहता कहने वाले और मैं अमीर बनना चाहता हूँ कहने वाले व्यक्तियों के बीच बड़ा अंतर होता है, क्योंकि इंसान का दिमाग शब्द नहीं सुनता, ये तो बस इतना सुनता है कि किस सब्जेक्ट पर बातचीत हो रही है। जैसे मोटे, हेल्थ, गरीब, अमीर जैसे शब्द, सब्जेक्ट चाहे जो हो, आप वही बन जाते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई कहता है मैं पैसे नहीं गंवाना चाहता, तो दिमाग ये सुनता है मैं पैसे गंवाना चाहता हूँ। यानी ज्यादातर लोग इस बारे में बात करते हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, या इस बारे में बात करते हैं कि वे क्या नहीं पा सकते। इस प्रोसेस को शॉर्ट में इस तरह से समझ सकते हैं। पहला, उन विचारों पर गौर करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, उन्हें मनचाही चीजों के विचारों में बदल लें। दूसरा, उन फीलिंग्स पर गौर करें जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, उन्हें मनचाही फीलिंग्स में बदल लें। तीसरा, मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। अगर जरूरत हो तो सुधार करें, जब तक कि आप अपनी मनचाही चीज ना पा लें, बजाय उस चीज के जिसे आप नहीं चाहते हैं। बस इसे कर दे। जिंदगी में विनर अपनी मनचाही चीजों पर फोकस करते हैं और लूजर्स लोग अपनी अनचाही चीजों पर। इसलिए खुद की बात रेगुलर सुनने की आदत डालना जरूरी है। ना जीतने के बावजूद विजेता अपनी विनिंग फीलिंग और थिंकिंग को कायम रखते हैं। ये बहुत अहम आदत है। दोस्तों हमारी बुनियादी आदतें बहुत जरूरी है। ये बड़ी ही आसान आदतें हैं जिन पर 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी इंसान अमल कर सकता है। हालांकि ये आसान है, लेकिन बहुत कम लोग ही इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतार पाते हैं। अगर आप इन आसान आदतों को लाइफ टाइम अपना सके तो आप इतने अमीर बन सकते हैं जितना आपने सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। अगर आप ईंटों का मकान बनाना चाहते हैं तो आपको अच्छी आदतों की जरूरत है, क्योंकि अच्छी आदतें ही अमीरों की ईंट है। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये बातें मैंने आपको रिटायर यंग रिटायर रिच बुक से बताई है। आप ये बुक डिस्क्रिप्शन में जाकर खरीद सकते हैं, और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। साथ ही साथ ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।